है एवरीवन, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड सिंस दिस सीज़न इज़ फेस्टिव सीज़न, दिवाली सीज़न, उसमें आते हैं बहुत सारे त्यौहार एंड उसमें से एक है भाई दूज। सो दिस लुक आई हैव क्रिएटेड फॉर भाई दूज फेस्टिवल। दिस इज़ वेरी स्वीट, सिंपल, सोबर एंड सटल काइंड ऑफ मेकअप एंड आप इजिली उसको डे में एंड नाइट में भी कैरी कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक देन प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखो एंड मेरा वॉच टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यस, इतना ही बोलूँगी, एंड तक देखो यार। And if you like this look, then don't forget to like this video and share this video with your friends and family. Subscribe my channel and ghanti ka button bhi press kar do to get notified every time. And now let's get started with the video. Makeup se pehle lagayenge aloe vera gel as a primer and uske liye maine liya hai aloe vera gel from Patanjali. Aapko easily market mein kahin pe bhi mil jayega. And I'm taking Blue Heaven waterproof foundation. फाउंडेशन का ओरिजिनल प्राइस है जस्ट 70 रुपीज एंड मुझे नाइकर से मिला 55 रुपीज़ को। दिस फाउंडेशन इज ऑल्सो हैविंग सनस्क्रीन फैक्टर एंड दिस इज जस्ट लाइक अ बीबी क्रीम, उसका ज़्यादा कवरेज नहीं है। देन आई एम टेकिंग लैक्मे रोज पाउडर एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू सेट दिस एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज फ्रॉम पूना स्टोर ब्रांड, मैंने अमेजोन से खरीदा है एंड यू कैन सी बाई यूजिंग फ्लैट सर्फेस ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर आई एम अपलाइंग पाउडर। मीन्स मैंने ये फ्लैट सर्फेस का यूज किया है एज अ पाउडर और पाउडर ब्रश और पाउडर पफ। Now you can see with the help of corner portion of this beauty blender, I am applying this powder near to eye area or nose area. लगाएंगे blush. Blush के लिए मैंने लिया है Sivana Colors का palette. इस palette में आते हैं total 8 shades. उसमें से एक है highlighter, दूसरा है contour, and the 6 shades are for blush. So isn't it good? Now I took brown shade from this palette as a contour, and उसको मैं लगा रही हूँ hollows of my cheek areas. एंड इससे आता है लाइक डेफिनेट शेप एंड थोड़ा सा स्लिम फेस दिखता है। फिर अपने नोज को शार्प दिखाने के लिए आई एम गोना टेक सेम कंटूर शेड फ्रॉम द सेम Sivana पैलेट, प्लेसिंग हाइलाइटर फ्रॉम सेम Sivana पैलेट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज। आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम सेम Sivana पैलेट, प्लेसिंग इट इन द क्रीज एरिया जस्ट टू गेट डीप आई लुक एंड देन ब्लेंडिंग इट प्रीटी वेल। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग व्हाइट शेड फ्रॉम मेकअप रिलेशन लर्नर पैलेट एंड उसको लगाऊंगी कंप्लीट आईलिड पे। एज यू कैन सी माई कुर्तीज ऑफ पिंक एंड ग्रीन कलर, सो आई एम टेकिंग यर पिंक कलर एंड प्लेसिंग इट इन द आउटर कॉर्नर विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। सिंपली कैन यूज योर फिंगर्स ऑल्सो। आफ्टर पिंक शेड आई एम टेकिंग यर ग्रीन शेड, उसको लगाएंगे इन द कॉर्नर में। एंड ये आई शेडो पैलेट है BR का, BR आई शेडो पैलेट आपको अमेजोन पे ईजिली मिल जाएगा नियर अबाउट 110 रुपीज़ और 150 रुपीज़ में। आप देख सकते हो मेरी कुर्ती में ज़्यादा ग्रीन कलर है, पिंक कलर का सिर्फ पाइपलाइन वर्क है। सो मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन कलर डार्क एंड पिंक कलर लाइट एंड देन बाय टेकिंग आइकोनिक काजल आई एम गोना अप्लाई वाटर लाइन काजल इन माय आईज एंड देन बाय टेकिंग दिस ग्रीन कलर आई एम गोना अप्लाई इट ऑन लो लैश लाइन। सो बेसिकली मैंने पहले लगा है लो वाटर लाइन पे काजल एंड उसके नीचे लो लैश लाइन पे लगाया है ये ग्रीन आई शेडो। एंड अगर आपका ड्रेस कोई अलग अलग का, ऑब्वियसली आपका ड्रेस अलग अलग का होगा, तो आपके ड्रेस के हिसाब से जो कुछ भी शेड मैच हो जाता है वो भी लगा सकते हो। देन बाय टेकिंग ब्राउन शेड फ्रॉम BR आईशैडो पैलेट आई एम गोना फिल माय आईब्रोज बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्रश। एंड अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है फॉर आईज ऑल्सो एंड फॉर आईब्रोज ऑल्सो, आप सिंपली ईयरबड जो होता है ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टू गेट नाइस कर्ली आईलैशेस आई एम गोना यूज दिस आईलैश कर्लर एंड देन प्लेसिंग टू कोट्स ऑफ लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा ऑन माई अपर एंड लो आईलैशेस। देन बाय टेकिंग मेबेलिन फिट मी कंसीलर आई एम गोना हाईलाइट सम ऑफ द पोर्शन ऑफ माई फेस एज यू कैन सी हियर यूजिंग डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सिर्फ डैप करना है यहाँ पे, अगर आप फिंगर्स भी यूज करते हो तो आपको सिर्फ टैप करना है फाउंडेशन के ऊपर, कंसीलर के ऊपर, ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है DAB डैप, तो ये आपका कंसीलर अच्छे से सेट होगा एंड डार्क सर्कल्स कवर होंगे। फिर इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लूँगी मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे कंसीलर क्रीज नहीं होगा, लाइक ब्लीड नहीं होगा। फॉर आईलाइनर मैंने लिया है L18 का लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पेंसिल आईलाइनर। अगर आप मेकअप में नए हो, बिगनर हो, तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा लिक्विड आईलाइनर, क्योंकि डिफ़िकल्टी है दैट्स वाई। तो आपको प्रैक्टिस करना है पहले पेंसिल लेके, पेंसिल काजल पेंसिल और जो आईलाइनर पेंसिल होते हैं फेल टाइप वाले, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी है मैंने यहाँ पे विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है।
fill my lips, I had took L18 ColourPop matte lipstick, and my shade is R31, and this lipstick price is just 110 rupees. And according to price, these lipsticks are fabulous because pigmentation is good and these lipsticks are long lasting as well. And you can see it's very easily I can apply this because this lipstick is very soft and gentle on the lips. My makeup is done. This is my final look. This makeup you can carry on other functions as well. And आपको ये makeup कैसा लगा आप mention कर सकते हो comment box में, उसका reply मैं ज़रूर दूँगी आपको. If you like this makeup look, then hit the like button, share this video with your friends and family, subscribe my channel for more such videos, press the घंटी का button to get notified. Thanks for watching. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.